तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों ये वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश रजिया विद्युत उत्पादन निगम की तरफ से। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो है देखिए डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया है या फिर 12th किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ में देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ काफ़ी और भी वैकेंसी, जैसे MSc किया हुआ है या फिर आपने अगर BSc किया है फिजिक्स से तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन BSc किया है या फिर BTech किया है तो आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा बेस पर आप लोग भर सकते हैं। साथ में देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए इसकी जो है ऑफिशियल साइट से यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप लोग यहाँ पर फर्स्ट साइट पर इसकी पे जाकर और यहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर पहले से इंटरफेस ओपन करके बोल रही हूँ और साथ में आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए हमारा यहाँ पर ये है नोटिफिकेशन और यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग ये जो वैकेंसी आ रही है ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से आ रही है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या इसकी वैकेंसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर पूरा एकदम टेबल के रूप में दे रखा है यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है। अब देखिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर पद नेम देख लेते हैं। यहाँ पर पद कोड दिया हुआ है, साथ में देखिए यहाँ पर अपनी ब्रांच वगैरह दी गई है, कौन कौन सी ब्रांच, कुल पदों की संख्या दी गई है। यहाँ पर अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं जो भी आप लोग को यहाँ पर देखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैकेनिकल के जो छात्र हैं देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैकेनिकल वाले छात्र हैं यहाँ पर इनकी जो है 33 पोस्ट हैं और जो इलेक्ट्रिकल वाले छात्र हैं उनकी 29 पोस्ट हैं टोटल पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन वालों की 16 पोस्ट हैं यहाँ पर और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वालों की हैं 4 पोस्ट। वैसे तो देखिए कंप्यूटर साइंस और इनकी काफ़ी कम यहाँ पर पोस्ट निकलती है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर थोड़ी पोस्ट हैं आप लोग की यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए ये थोड़ा अलग यहाँ पर जो है ये डिप्लोमा वालों की। अब देखिए यहाँ पर सहायिका लेखिका कार्य की यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट 21 है। यहाँ पर रासायनिक ग्रेड सेकंड वालों की यहाँ पर 14 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट की यहाँ पर 17 पोस्ट हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं, ये जो कैटेगरी दे रखी है कैटेगरी वाइज अपना कितना कितना पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। PDF ये जो आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग को लिंक मिल जाएगी, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन पर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग की सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी आप लोग की यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी लेवल 7 के आधार पर आप लोग को मिलेगी। साथ में देखिए अवर अभियंता के लिए यहाँ पर लगभग 45,000 मान सकते हैं आप लोग यहाँ पर लगभग ले सकती है। सहायक लेखिका कार्य के लिए है 29,800 सैलरी है आप लोग के रसायन ग्रेड सेकंड के आधार पर और ये लेवल 7, लेवल 5 और लेवल 6 के आधार पर आप लोग को सैलरी मिलेगी। साथ में ये 36,800 है और इनकी है लेवल 4 के आधार पर 17,200, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो है इस सैलरी के अंतर्गत आते हैं 1, 2, 3, 4 पद कोड वाले यहाँ पर जो है आएंगे तो उन लोगों के लिए यहाँ पर 44,900 यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्राइटेरिया दे रखा है, क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि जो है डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में देखिए अगर 10th+ आपने अगर डिप्लोमा किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर 12th के बाद डिप्लोमा किया तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर BE BTech वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने कौन कौन सी ब्रांच में किया तो ब्रांच तो आप लोग जान ही सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन इंस्ट्रूमेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी ये ब्रांचेस दे रखी हैं। अब देखिए थोड़ा हम लोग नेक्स्ट बात कर देते हैं तो थोड़ा ये नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। नोट में दिया गया है जैसे अगर डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शॉल नॉट बी एबल। अब देखिए जो आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए। साथ में देखिए यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है तो यहाँ पर आप लोग की बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। केमिस्ट ग्रेड सेकंड के वालों के लिए MSc डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए केमिस्ट्री आधार पर तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री से तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ में देखिए यहाँ पर दे रखा है आयु, तो आप लोग की जो एज लिमिट रहने वाली है मिनिमम एज आप लोग की यहाँ पर 21 रहने वाली है ये रासायनिक ग्रेड इन पोस्ट के लिए और मैक्सिमम 40, और जो लैब असिस्टेंट के लिए है मैक्सिमम मिनिमम पोस्ट 18 और मैक्सिमम आप लोग की 40 हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया तो हम लोग थोड़ा रिलैक्सेशन की बात कर लेते तो ये OBC वालों के लिए और यहाँ पर देखिए छूट दे ये जो SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। OBC वालों के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 साल की दे रखी है
और यहाँ पर देखिए, और पीडब्ल्यू वालों के लिए और ये 15 साल की दे रखी है। तो यहाँ पर एज क्या, यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पर आवेदन करने के लिए कितना शुल्क लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अवर अभियंता और सहायक लेखकाकार, रासायनिक ग्रेड और लैब असिस्टेंट वालों के लिए यहाँ पर देखिए 826 रुपये दिए जाएंगे। वो भी देखिए OBC वगैरह में जितने भी आते हैं, वो ये जैसे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति की श्रेणी वालों के लिए 826 रुपये, और जो लोग यहाँ पर जनरल के अंतर्गत आते हैं, जनरल कैटेगरी के अन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ पर 1180 रुपये फीस यहाँ पर पे करनी होगी। अब जैसे PWD वालों के लिए या फिर जो अदर ये दिव्यागंज में आते हैं, तो इसमें जो है आप लोग की इतने रुपए 12 रुपए फीस यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो इस तरीके से अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न किस आधार पर होगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा आप लोग का CBT आधार पर। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है टेस्ट, देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश पत्र वगैरह, यहाँ पर क्या क्या चीज़ चाहिए, 2 फोटो, ID प्रूफ वगैरह यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। अब देखिए इसका जो है पैटर्न किस तरीके से होगा, तो देखिए यहाँ पर नीचे एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है ये देखिए, और ये CBJ आधार पर होगा आप लोग का। अब देखिए ये जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट दी गई है आप लोग की, उसका जो है सेकंड पार्ट में होगा आप लोग का। फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर देखिए डिप्लोमा बेस्ड आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे जो डिप्लोमा बेस्ड होंगे क्वेश्चन। तो आप लोग के जो डिप्लोमा में जितने भी यहाँ पर जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेशन, अगर इन ये जो ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट हैं इनसे रिलेटेड आप लोग के 150 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो आप लोग का सेकेंड टेस्ट होगा, सेकेंड आधा टेस्ट होगा, तो सेकंड में आएंगे आप लोग के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो उसमें आएंगे जैसे आप लोग की जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, तो ये आप लोग के आएंगे। साथ में देखिए यहाँ पर जो है आप लोग के 1 नंबर का जो है एक क्वेश्चन रहने वाला है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर साथ में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आप लोग का जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप लोग की जो है 1 जो सही वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 क्वेश्चन के लिए। अब देखिए यहाँ पर असिस्टेंट लैब के लिए एग्ज़ाम पैटर्न है, तो देखिए इसका भी 2 आधार पे होगा, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें आएंगी, इसमें भी देख सकते हैं, और सेकंड पार्ट में ये सारी चीज़ें, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, आप लोग उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह दिया गया है आप लोग का। अब देखिए केमिस्ट ग्रेड सेकेंड के वालों के लिए यहाँ पर 2 पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो है MSc केमिस्ट्री से जो सिलेबस है वो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, 150 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए लैब असिस्टेंट के लिए फर्स्ट पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट केमिस्ट्री, तो जो 150 क्वेश्चन होंगे वो आप लोग के यहाँ पर सिलेबस इंटरमीडिएट के आधार पर होंगे। और सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन वो होंगे यहाँ पर देखिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल मैथ एंड जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, तो ये सारे क्वेश्चन होंगे हमारे यहाँ पर। अप्लाई करने का यहाँ पर जो है कि क्राइटेरिया दे रखा है, साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगी अप्लाई किस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरी लिंक वगैरह दे रखी है किस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना होगा। अब देखिए थोड़ा हम लोग जो है डेट की बात कर लेते हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग की जो है लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है आप लोगों की 28 तारीख है, मतलब 28 जनवरी 2022, और जो इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन करने की लास्ट डेट है 27 फरवरी 2022। और अगर आप लोग की जो है शुल्क जमा करने की लास्ट तिथि है, आप लोग की जो फीस जमा करने की लास्ट तिथि है वो है 29 फरवरी 2022, और टाइम भी दिया गया है 11:45 PM से पहले आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में ये फीस वगैरह अप्लाई कर सकते तभी आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।